हेलो यूट्यूब हाउ यू आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे सो वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का ये वीडियो है ये आपको बेसिकली मिलने वाला है कि अगर आपको अपना वॉशिंग मशीन का सर्विस करना है घर पे, तो आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे सर्विस करने के लिए क्या कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो ये मेरे पास एक स्केल गन का पाउडर है आपको भी इसे ही परचेस करना होगा अगर आपका वर्लपूल का मशीन वॉशिंग मशीन है अगर आपका किसी और का है तो आप उसी ब्रांड का कर लीजिएगा लेकिन स्केल गॉन का ही कीजिएगा तो भी अच्छा है ये फाइव एटी फाइव रुपीज़ का आता है जिसमें तीन पैकेट रहता है जो कि आपका एक साल आराम से चल जाएगा ठीक है आपको ये सर्विस हर तीन महीने में करना रहता है तो इस पैकेट में आपको ऐसे जैसे मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ ये वाइट कलर का जो पैकेट है इस तरह के आपको तीन पैकेट इस पूरे डब्बे में आपको मिलते हैं तो चलिए इसे यूज़ कैसे करते हैं हम लोग आपको दिखाते हैं तो आपको अपना वॉशिंग मशीन को ऑन करना है पावर बटन दबा कर उसके बाद फिर आपको आपको इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ गर्म पानी चाहिए तो आप आधे बाल्टी के आसपास थोड़े पानी को गर्म कर लीजिएगा मतलब थर्टी टू फोर्टी डिग्री सॉरी फिफ्टी डिग्री के आसपास आप इसे गर्म कर लीजिएगा उसके बाद फिर आपका जो वॉशिंग मशीन में ऑप्शन रहता है वॉश ओनली ठीक है वॉश ओनली आपको उस ऑप्शन पे जाना है मेरा पी पे है वो ऑप्शन जिसमें आपका केवल सोख होगा और वॉश होगा तो उस ऑप्शन को कर लेने के बाद आपको अपना वाटर लेवल जो है वो मैक्सिमम लेवल पे कर देना है ताकि आपका पूरा बकेट जो है वो क्लीन हो सके पूरा लेवल तक अगर आपका पानी भरेगा तभी वो अच्छे से साफ होगा ठीक है वो कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको गर्म पानी और वो ठंडा पानी दोनों को मिक्स करके फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक आपको वो पानी का मिक्सचर कर लेना है उसके बाद फिर इस पाउडर को आपको पूरा स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो ये स्प्रिंकल कर लेने के बाद फिर आपको वही जो मैंने आपको बताया आप मिक्स कर लेना है फिर आपको इसे थर्टी मिनट्स के लिए या फिर थर्टी वन मिनट्स के लिए आपको इसे छोड़ देना है ताकि ये वॉश हो सके देख सकते हैं वॉश हो रहा है थर्टी मिनट्स के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एंड लिखा हुआ दिखेगा फिर आपको क्या करना है पावर बटन को दबाना है और मशीन को ऑफ कर देना है और इस पानी को आपको नहीं फेंकना है इस बकेट में ही आपको रहने दीजिए एक घंटा के लिए देख सकते हैं ये पानी मेरा मैंने एक घंटा के लिए छोड़ दिया एक घंटा हो चुका है अब मैं क्या करूँगा कि इस पानी को अब मैं वॉशिंग मशीन से निकालूँगा ठीक है इस पानी को स्टोर मत कीजिएगा क्योंकि इस पानी के अंदर केमिकल है तो इसे आप स्टोर कहीं भी मत कीजिएगा फिर मैं क्या करूँगा पी नाइन ऑप्शन जिसमें मेरा रिंस प्लस ड्राई का ऑप्शन है तो उसमें क्या होगा कि मेरा पूरा वॉशिंग मशीन को ये फिर से नया से धो देगा अच्छी तरह से सेल्फ़ क्लीन इसे हम लोग बोल सकते हैं तो इसमें टोटल 22 मिनट का ये प्रोसेस होगा इसमें भी आपको जो पानी है वो आपको हाई या फिर मैक्सिमम लेवल पे रखना है तो देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल खाली हो गया साफ अब इसके बाद फिर क्या करना है आपको आधा कप डिटर्जेंट पाउडर लेना है और इस पर इस तरह से अपने डिटर्जेंट बकेट पे इसे फिल कर देना है उसके बाद फिर यहाँ पर से पानी जो गिरेगा वो आपका बिल्कुल वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह से साफ कर देगा फिर आपको स्टार्ट कर दीजिए नाइनटीन मिनट का ये बिल्कुल पूरा प्रोसेस होगा और फिर आपका पूरा वॉशिंग मशीन सेल्फ क्लीन हो गया तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ डेली अपडेट्स में मिलते रहें तब तो तक के लिए कीप वॉचिंग थैंक यू तो एक और बात कि मेरा एक और चैनल है जो कि है आपका ऑटोमोबाइल का चैनल कार्स एंड ब्लॉक्स नाम का है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप लोग उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू